हेलो फ्री फायर लवर्स, वेलकम टू द आज सेशन, वेलकम टू अनदर स्पेशल वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज मिलने वाला है। एंड लोग तो शायद थंबनेल देख के समझ ही लिए होंगे कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर न्यू जो हमारा टूर्नामेंट आने वाला है फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप। तो उस टूर्नामेंट के बारे में मैं यहाँ पर हर एक डिटेल्स दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए कम बको भट, लेट्स द वीडियो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो जो मेरे चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर 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 लाइक करना एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स में बता दूंगा कि कैसे कैसे आप लोग जो फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप जो कि अभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर टेला लॉन्च किया है हमारा जो इंडियन ऑफिशियल सर्वर है उसके ऊपर। तो दोस्तों मैं चला जाता हूँ कि कैसे आप लोग वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चला जाए गूगल पे, एंड गूगल पे आप लोगों को सर्च करना है ffic.garena.com। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जाकर लॉगिन कर रहे हैं, तो इसलिए शायद आप लोगों को सर्वर बिजी भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोग ट्राई करते रहिए तो आप लोगों को यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मेरा टीम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं, मतलब मैं यहाँ पर टीम डाल दिया हूँ, लेकिन दोस्तों मतलब काली में डाल दिया हूँ। लेकिन दोस्तों आज मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लॉगिन नहीं हो रहा था, तो सेकेंड टाइम मेरा यहाँ पर लॉगिन हो गया है। पहले जो चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर बात करूँगा, जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर आप लोग देख सकते हो एक यूट्यूब चैनल का जो हमारा फ्री फायर इंडियन ऑफिशियल जो यूट्यूब का जो वीडियो है यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड उसके ऊपर ही है एक रजिस्टर पीरियड करके, रजिस्ट्रेशन पीरियड करके, जो कि जिसमें लिखा हुआ है कि 11 से 26 जनवरी तक आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब बहुत ही दिन यहाँ पर टाइम दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि आप लोग अभी से अभी जाकर करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लिमिटेशन है इंडिया टुडे लीग में जो नहीं था, इंडिया टुडे लीग में बहुत सारे बंदे यहाँ पर गए थे, लेकिन दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है इंडियन चैंपियनशिप, इसमें एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है कि इतने लोगों के ज़्यादा ये लोग नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए एंड अपने टीम के साथ लॉग इन कीजिए, ठीक है। तो अकेला यहाँ पर नहीं होगा लॉग इन, अपने टीम के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राइट कॉर्नर पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल जो प्राइस पूल है वो है 35 लाख, मतलब बहुत ही अमाउंट ज़्यादा किया है यहाँ पर गरीना वाले, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रीजन में ही देगा 35 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं प्राइस पूल पे, तो प्राइस पूल पे आप लोगों को चैंपियन जो होगा उसको मिलेगा 15 लाख रुपीज, सेकेंड प्लेस होल्डर को मिलेगा 6 लाख रुपीज, थर्ड प्लेस होल्डर को मिलेगा 3 लाख रुपीज, एंड जो फोर्थ प्लेस पे आएगा उसको मिलेगा 1.5 लाख रुपीज, मतलब 1,50,000 रुपीज़। जो फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ प्लेस में आएगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपीज, एंड जो एट एंड नाइन्थ पोजिशन में आएगा उसको मिलेगा 70,000 रुपीज, एंड जो नाइन्थ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ प्लेस में आएगा उसको मिलेगा 50,000 रुपीज, एंड जो 13 से 24th प्लेसेस में आएगा उसको मिलेगा 30,000 रुपीज़। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ डाउट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो इंडिया टुडे लीग में भी आप लोग देख सकते थे जिसमें सिर्फ फाइनल में 12 टीम्स गए थे, एंड 12 टीम्स को ही यहाँ पर प्राइज दिया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 24 टीम्स को प्राइज मिलने वाला है, तो 24 टीम्स कैसे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लीग स्टेज, मतलब तीनों स्टेज में यहाँ पर भाग डिवाइड किया गया है ये जो टूर्नामेंट है। फर्स्ट स्टेज होगा क्वालिफायर स्टेज, सेकेंड स्टेज होगा लीग स्टेज, एंड थर्ड स्टेज होगा फाइनल स्टेज, ठीक है। तो क्वालिफायर स्टेज में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 6,048 प्लेयर्स को यहाँ पर ले रहा है गरीना वाले, ठीक है। मैं पहले से आप लोगों को बता दे रहा हूँ 6,048 प्लेयर्स को यहाँ पर गरीना वाले ले रहा है। तो 6,048 के बाद किसी भी प्लेयर को यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, मतलब नॉट रजिस्टर्ड किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद 6,048 प्लेयर्स से 22 टीम्स, ठीक है, 22 टीम्स को यहाँ पर लिया जाएगा लीग स्टेज पे। एंड जो इंडिया टुडे लीग का जो 2 फाइनलिस्ट है, मतलब जो 1 नंबर एंड 2 नंबर जो आया था लीग इंडिया टुडे लीग में, उन दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा 24 टीम्स होगा। एंड 24 टीम्स में से 6-4 यहाँ पर ग्रुप किया जाएगा, एंड उन लोगों के बीच में 6 राउंड होगा, 6 मैचेस का राउंड होगा। उससे जो जो लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब एक एक करके यहाँ पर लिया जाएगा, एंड 12 टीम्स को यहाँ पर फाइनल में ऐड किया जाएगा।
तो दोस्तों यही है सभी बातें एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो जो कि रूल्स रेगुलेशन का नीचे है, तो आप लोग जाकर पढ़ भी सकते हैं। एंड बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर दिया गया है जो कि ये पहले ही है ग्लोबल रूल्स, जो कि कैसे कोड ऑफ कंडक्ट मतलब फ्री फायर कैसे कैसे खेलना चाहिए एंड कैसे फेयर एंड नाइस प्ले होना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद है टूर्नामेंट रूल्स, जो कि बहुत ही एक वाइटल चीज़ है कि टूर्नामेंट आप लोग कैसे खेल सकते हैं एंड टूर्नामेंट में क्या क्या चीज़ इनबाउंड है, मतलब जो जो चीज़ आप लोग यूज़ भी नहीं कर सकते वो सभी चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, तो आप लोग जरूर जाके पढ़िए। एंड टूर्नामेंट रूल्स से यहाँ पर पॉइंट टेबल भी आप लोग देख सकते हो कि 20 पॉइंट्स आप लोग को मिलेगा पार किल करने पर, फर्स्ट जो आएगा भुया जो जिसको मिलेगा वो उसको मिलेगा 300 पॉइंट, सेकेंड प्लेस में आने पर मिलेगा 200 पॉइंट्स एंड थर्ड प्लेस में मिलेगा 170 पॉइंट्स, तो ऐसे ही करके डिक्रीज होगा जाएंगे, जो 12 पोजीशन में मरेगा उसको मिलेगा 0 पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अदर मोबाइल ऐप्स, अगर आप फ्री फायर का टूर्नामेंट खेलते खेलते बैकग्राउंड में कोई ऐप्स यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को डिसक्वालिफिकेशन हो सकते हैं आपके टीम का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया है जो कि गाइडलाइन के रूल्स है उसमें यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर कोई नोटिफिकेशन मतलब कोई भी बैकग्राउंड नोटिफिकेशन अगर टूर्नामेंट के अंदर आएगा मतलब आपके स्क्रीन पे आएगा तो यहाँ पर वो जो है गरीना वाले डिटेक्ट करके आप लोगों को निकाल भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेम जब खेलोगे आप मतलब टूर्नामेंट जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करके जब प्ले करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा, कोई भी ऐप आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, एंड आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बार में जाकर आप लोगों को डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर कोई भी बैकग्राउंड ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मल्टी टीमिंग ऑप्शन है। तो मल्टी टीमिंग क्या है, मल्टी टीमिंग है जो कि बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि टूर्नामेंट के लिए एक टीम पे मतलब एक ही प्लेयर दो तीन टीम पे अपना आईडी डाल देता है, मतलब नाम डाल देता है कि एक टीम से अगर हार गए तो दूसरे टीम में जाकर वो फिर भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा, गाइना वाले सख्त मतलब रूल्स कर दिया है कि एक ही नेम का एक ही आईडी का प्लेयर सिर्फ एक ही टीम में रह सकता है, जब भी उसको उन लोगों को पता चलेगा कि वो दूसरा कोई टीम में जाएगा तो उनको रजिस्टर ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा बात है कि बहुत सारा प्लेयर ऐसे करके चीटिंग करता है तो वो सब बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो वाइटल चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी कि कैसे आप लोग मतलब कौन कौन प्लेयर यहाँ पर चांस ले पाएगा इन इंडिया चैंपियनशिप में। तो यहाँ पर पहले ही जो है एज 14 अबव होना चाहिए, मतलब 14 या फिर 14 का अबव होना चाहिए, फिर मिलेगा इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, वो तो ज़रूरी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसके बाद लगेगा इंडिया में ट्रैवल करने का जो चीज़, मतलब इंडिया में तो सभी ट्रैवल कर सकते हैं, जो जो लोग इंडियन सिटीजनशिप है वो सभी ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के हर तरफ। फिर लगेगा आउटबाउंड मतलब इंडोनेशिया एंड थाईलैंड के लिए ट्रैवल, मतलब जो चीज़ है मतलब आसान भाषा में बताओ कि जो पासपोर्ट लगेगा आप लोगों को, तो पासपोर्ट जिन जिन के पास नहीं है मैं बोलूँगा कि अभी फिक्र करने का कोई भी बात नहीं है, आप लोग अभी जो है अभी रजिस्टर कर दीजिए पासपोर्ट के बिना ही। ठीक है, एंड बाद में जाकर अगर आप लोग दिल्ली के लिए क्वालिफाई हो जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाएगा जिस टाइम में आप लोग जाकर पासपोर्ट कर सकते हैं, जो इमरजेंसी पासपोर्ट है वो आप लोग जाकर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो रजिस्टर नाउ, यहाँ पर मैं चला हूँ रजिस्टर नाउ, आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में रजिस्टर नाउ करके यहाँ पर आ रहा है, तो रजिस्टर नाउ में जाकर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले जो रूल्स यहाँ पर दिया गया है आप लोग पढ़ भी सकते हैं, यू कैन एलिजिबल टू टेक पार्ट इन फ्री फायर इंडिया चैम्पियनशिप 2020 इफ़ यू आर एज 14 एंड अबव। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दिया था कि 14 एंड 14 से अबव होना चाहिए, सेकेंड जो है इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, थर्ड जो है वो है ओनली रिक्वायर्ड टू टेक आउटबाउंड फ्लाइट फ्रॉम इंडिया फॉर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को मतलब जो आसान भाषा में बताओ कि पासपोर्ट लगेगा आप लोगों को। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि फिक्र करने का कोई भी बात नहीं है, आप लोग पहले लीग स्टेज के लिए क्वालिफाई करिए, फिर उसके बाद आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर मैंने जो बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट 648 टीम्स को यहाँ पर मिलेगा जगह पहली। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाइए एंड टीम डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बहुत सारा चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक ही नाम से मतलब ये जो नाम है Shooters01, आप लोग देख सकते हो जो मेरा ऑफिशियल चैनल है Shooters, तो मैं Shooters01 से यहाँ पर ट्राई कर रहा था क्योंकि Shooters
नेम यहाँ पर मैंने ही डाला है एंड शूटर 01 भी शायद किसी ने डाल दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए एक टीम नेम नहीं ले रहा है। तो मतलब आप लोग देख सकते हो कि डेटा सर्वर जो है गैना का वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि लीडर, ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 प्लेयर्स है, 5 नंबर जो प्लेयर होगा वो ऑप्शनल होगा, मतलब आप लोग को 5 प्लेयर्स डालकर यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर 4 टीम है आप लोगों के पास, मतलब 4 प्लेयर्स का टीम है, तो आप लोग 4 भी डाल सकते हो एंड एक ऑप्शनल आप लोग किसी का भी दोस्त आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोगों को डालना पड़ेगा प्लेयर यूज़र आईडी, कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ यूज़र आईडी जो कि न्यूमेरिकल है उसको डालना पड़ेगा। फिर आपको डालना पड़ेगा नेम एज गवर्नमेंट आईडी, मतलब जो गवर्नमेंट आईडी है जो कि आधार कार्ड है। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही है कि आधार कार्ड ही अभी सभी जगह पे चलता है, तो आधार कार्ड ही आप लोगों का यहाँ पर नाम जो है आधार कार्ड में वही आप लोगों को डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है इंडियन सिटीजनशिप, फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है जो कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट आईडी नंबर, मतलब आधार कार्ड का जो आईडी नंबर होता है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा 12 डिजिट का। फिर आप लोगों को डालना पड़ेगा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों का एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को चारों प्लेयर एक साथ ही यहाँ पर आकर लॉगिन करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर चाहो तो लीडर के बाद, लीडर अगर फॉर्म फिलअप नहीं होगा ऑल डॉक्यूमेंट्स से, तो यहाँ पर आप लोग प्लेयर टू के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सबमिट कर सकते। ठीक है, मतलब एक एक करके ही आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो मैंने फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया हूँ लीडर का, तो नीचे जाकर मैं यहाँ पर प्लेयर टू में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्लेयर टू नहीं शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर सभी जो है, सभी लीडर, मतलब लीडर का जो सभी फॉर्म है उसको फिलअप करने के बाद ही यहाँ पर प्लेयर टू ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप लोग पूरा का पूरा जो चीज़ है वो आप लोग करके आप लोग नीचे जाओगे, नीचे जाकर यहाँ पर सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास एक मैसेज शो करेगा जो कि लिखा हुआ आएगा एंड जो लीडर होगा उसका ईमेल एड्रेस पे भी चला जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है एंड जो 26 जनवरी जो कि क्लोजिंग डेट है उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एंड आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सब कुछ नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा ऐसे ही बोला गया है, तो देखते हैं दोस्तों 26 जनवरी के बाद हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए एंड अपना जो परफेक्ट जो टीममेट है उसके साथ जाकर यहाँ पर लॉगिन करिए, लॉगिन करके पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, जितना हारना वो तो दूर की बात है, ठीक है, जितना हारना वो आपका खेल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है वो आपका माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप जाकर जल्दी से जल्दी जाकर पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा प्राइस पूल यहाँ पर दिया गया है गाइना की तरफ से, क्योंकि 24 बंदे तक, 24 टीम्स तक यहाँ पर प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर है, आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए एंड लॉगिन कीजिए। ठीक है, एंड अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों एंड कमेंट करके मुझको बताना अगर कोई आप लोगों को दिक्कत हुआ तो, एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल में आप लोगों को बता दिया हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।